दोस्तों जब भी यूट्यूबर्स की बात होती है तो लोगों के जहन में सिर्फ पैसे पैसे ही आ जाते हैं। अब देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि यूट्यूबर्स आज के डेट में हर महीने लाखों का अर्न कर रहे हैं, और कुछ नए यूट्यूबर्स भी हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, धीरे धीरे अपने चैनल्स को ग्रो भी कर रहे हैं। और देखिए, जो नए यूट्यूबर्स होते हैं वो फुल्ली डिपेंडेंट होते हैं यूट्यूब के रेवेन्यू पे, यानी कि यूट्यूब के मोनेटाइजेशन सिस्टम पे, कि जितना ज्यादा उनके वीडियोस पर ऐड चलेंगे उतना ज्यादा रेवेन्यू बनेगा और रेवेन्यू का शेयर हर एक यूट्यूबर को मिलेगा। लेकिन आज मैं एक ऐसा टिप्स बताने वाला हूं जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका जो मंथली रेवेन्यू है उसमें 15-20% का डेफिनेटली इजाफा होगा ही होगा, इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और आपको मात्र दो सेटिंग करना है, एक सेटिंग यूट्यूब में और दूसरा सेटिंग एडसेंस अकाउंट में। तो ये क्या सेटिंग्स है हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पर चल करके बताएंगे, और स्क्रीन पर देखने के बाद ही आपको यकीन हो जाएगा कि इससे तो 100% हमारे अर्निंग में 15-20% का हर महीने बढ़ने वाला है ही है। तो क्या है सेटिंग, चलिए अपने लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं और प्रैक्टिकली आपको करके दिखाते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर, और आप देख सकते हैं क्रोम ब्राउजर में मैंने अपना एडसेंस अकाउंट लॉगिन कर लिया है। तो सबसे पहले हम एडसेंस में ही देखेंगे कि क्या सेटिंग करना है, देन हम यूट्यूब चैनल पर चलेंगे और स्टूडियो में जाकर के आपको दिखाएंगे कि वहां पे क्या सेटिंग करना है। तो एडसेंस में आपको आना पड़ेगा एडसेंस फॉर यूट्यूब, अगर आप यूट्यूब के लिए सेटिंग करना चाह रहे हैं तो ठीक है। तो जैसे ही एडसेंस फॉर यूट्यूब पे क्लिक करेंगे तो यहां पर नीचे आने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा ब्लॉक अनवांटेड एड्स। तो चूंकि इसमें जो भी कुछ सेटिंग्स है ना, ये बाय डिफॉल्ट यूट्यूब की तरफ से होकर के आता है, और इसमें जो हम चेंजेस करेंगे वही हमारे रेवेन्यू को बढ़ाने वाला है। तो उसके लिए, चेंजेस के लिए हम जाएंगे गो टू ब्लॉकिंग कंट्रोल्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पर दिखा रहा है कि मेक श्योर यू हैव गॉट द राइट एड्स फॉर योर ब्रांड, यानी कि किस तरह के एड्स हमारे चैनल पे चलेंगे, किस तरह के ब्रांड के एड चलेंगे वो यहां से कंट्रोल होता है। तो यहां पे एडवर्टाइजर्स यूआरएल्स है, सेंसिटिव कैटेगरीज है और जनरल कैटेगरीज है। तो बारी बारी से देखते हैं, पहले हम देखते हैं सेंसिटिव कैटेगरीज। तो मैनेज सेंसिटिव कैटेगरीज पर क्लिक करेंगे तो पूरा लिस्ट हमारे सामने आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड कैटेगरीज है इसका यहाँ पे नेम है, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी एंड एसोटेरिक, कॉस्मेटिक, डेटिंग, तो ये सारा अलाउड है, ठीक है ना, अलाउड आप देख रहे हैं। तो दैट मीन्स कि इन सारे कैटेगरीज के एड्स तो हमारे वीडियो पे अभी चलेंगे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज भी है, जो कि बाय डिफॉल्ट दो कैटेगरीज को ब्लॉक किया हुआ है यूट्यूब के एडसेंस की सिस्टम ने, ठीक है। तो ये दो कैटेगरी कौन कौन सा है, एक है अल्कोहल और दूसरा है गैम्बलिंग एंड बेटिंग, जो कि 18+ है। तो यहां पे ये दोनों ब्लॉक्ड है, हम इसे क्लिक करेंगे ये अलाउड हो गया, और हम इसे भी क्लिक करेंगे ये भी अलाउड हो गया, ठीक है। इस तरह से हम यहां पे चेक कर लेंगे कि अगर यहां पर भी कोई ब्लॉक्ड है तो हम उसे भी अलाउ कर देंगे, यानी कि सारे स्टेटस में अलाउड ही होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम एक बार चेक कर लेंगे, बस यही छोटा सा सेटिंग है जो एडसेंस अकाउंट में करना है। एडसेंस के लिए काम खत्म हो गया, अब चलते हैं यूट्यूब पे। तो यूट्यूब का स्टूडियो मैंने यहां पे लॉगिन किया हुआ है। यूट्यूब के स्टूडियो में वीडियो अपलोड करने के टाइम या अपलोड किए हुए वीडियो को एडिट करने के बाद मोनेटाइजेशन सेक्शन में जाएंगे तो यहां पर जो है ना, एड्स किस किस तरह के हमारे चैनल पर चलने चाहिए वो यहां पे ऑप्शंस मिलता है। तो चूंकि देखिए, मैं इस ऑप्शंस के बारे में बात करने वाला था, आफ्टर वीडियो, ड्यूरिंग वीडियो और बिफोर वीडियो, ठीक है। तो ये जो तीनों ऑप्शंस इनेबल्ड होते हैं वो होते हैं 8 मिनट से ज्यादा वीडियोज पर, यानी कि 8 मिनट से ज्यादा वीडियोज है तो उन्हीं वीडियोज पर ये तीनों एड्स इनेबल या डिसेबल करने का एलिजिबिलिटी होता है, यानी कि कहिए तो एलिजिबल होता है, ठीक है। बाकी ये सारा भी आप चेक कर लेंगे कि स्पॉन्सर्ड, यानी कि ये सारे एड्स चलने चाहिए। तो चूंकि ये 4 मिनट का वीडियो है तो छोड़िए इसको, हम चलते हैं 8+ मिनट वाले वीडियो में, ताकि हम आपको एक्स्ट्रा वाला जो सेटिंग है वो भी बता सकूं। तो ये 8:34 का है, मोनेटाइजेशन में जाएंगे तो यहां पर सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारे ऊपर के सारे जो एड के टाइप्स हैं ये सारे टिक लगे हुए होने चाहिए। उसके अलावा
ये जो लोकेशन ऑफ वीडियो एड्स है, चूंकि ये 8 मिनट प्लस की वीडियो है, तो ये तो बिफोर वीडियो, ये प्री रोल है जो कि बाय डिफॉल्ट सभी वीडियो के लिए होता है। लेकिन ड्यूरिंग द वीडियो ये वाला जो है ये हमें टिक लगाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आफ्टर वीडियो यानी पोस्ट रोल, ये भी यहाँ पे चेक मार्क्ड है यानी कि टिक लगा हुआ है। दैट मीन्स कि ये सारे तरह के एड्स जो 8 मिनट प्लस के वीडियोस होंगे उस पर चलेंगे। अब जाहिर सी बात है कि हर तरह के एड्स चलेंगे, ज़्यादा एड्स चलेंगे तो रेवेन्यू ज़्यादा बनेगा। तो बस यही ध्यान में रखना है कि हर एक वीडियो जो लॉन्ग वीडियो है उसमें आपका ये तीनों इनेबल्ड हो, बिफोर वीडियो रोल, बिफोर वीडियो, ड्यूरिंग वीडियो और आफ्टर वीडियो। इसके अलावा स्पॉन्सर्ड, नॉन स्किपेबल और स्किपेबल वीडियोस, तो कई सारे चैनल में ये अनटिक होते हैं, मतलब सिलेक्टेड नहीं होते हैं, तो इस वजह से उनके चैनल पे ऐड कम चलता है, इसलिए रेवेन्यू कम बनता है। तो दूसरा सेटिंग यहाँ से चेक करना है, और अगर इनेबल्ड नहीं है तो सारे एड्स को इनेबल्ड करना है, हर एक वीडियो को इंडिविजुअली। बस यही दूसरा सेटिंग था YouTube के स्टूडियो में आने के बाद। तो दोस्तों यही थे दो ऐसे सेटिंग जो कि एक YouTube में है और दूसरा एडसेंस अकाउंट में है। अगर आप ये दो सेटिंग करते हैं तो यकीन मानिए कि आपका जो नेक्स्ट मंथ से रेवेन्यू होगा, नेक्स्ट मंथ से जो अर्निंग होगा, वो प्रीवियस मंथ के मुकाबले, पिछले महीने के मुकाबले 15-20% का आपको इजाफा देखने को मिलेगा, इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि जो जो एड्स ब्लॉक बाय डिफॉल्ट थे, जो ब्लॉक यूट्यूब में और जो ब्लॉक एडसेंस अकाउंट में बाय डिफॉल्ट सिस्टम के द्वारा होता है, अगर आप उसे ऑन करते हैं, उसे अगर आप इनेबल करते हैं, तो यकीनन आपके वीडियोस पर ज्यादा एड्स चलते हैं, और ज्यादा एड्स चलेंगे तो आपका ज्यादा रेवेन्यू बनेगा। ये बड़ा सिंपल सी फंडा है और हर एक यूट्यूबर को ये पता है कि जितना ज्यादा एड्स उतना ज्यादा यूट्यूब पे अर्निंग। तो ये जो सेटिंग है, ये सेटिंग चेंज करने के बाद आपके वीडियोस पर ज्यादा एड्स चलते हैं। अब ज्यादा एड्स के ज्यादा अर्निंग हो गए तो मतलब कि महीने का लगभग 15-20% का आपका जो अर्निंग होता है वो बढ़ जाता है। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ शेयर करें, और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।